जब आप पढ़ रहे होगे तो शॉर्ट नोट्स को किस तरीके से आप बनाओगे उसके कुछ मैं तरीके आपको बता रहा हूं जिसको आप यूज करके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। ठीक है, तो आज थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स के बारे में आपको बता रहा हूं। कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर शॉर्ट नोट्स के बारे में बता दूं किस तरीके से हम बनाएं, तो कुछ टिप्स मैं आपको दे रहा हूं जिससे आप शॉर्ट नोट्स अपने बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर। सबसे पहली बात, समराइज किया करो जैसे आपको पढ़ाया जाता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं पढ़ाते जा रहा हूं और आप लिखो, तो आप कभी लिख नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें, मतलब साइंटिफिक चीज है ये, अगर हम बात करें कि एक व्यक्ति एक मिनट में कितने वर्ड बोल सकता है, तो वो 120 से 180 वर्ड के आसपास तक बोल सकता है, और लिखने के लिए बोला जाए तो वो सिर्फ 33 से 35 36 तक लिख सकता है वो। ठीक है, ऑन एन एवरेज। तो अगर मैं जो बोल रहा हूं वो आप लिखना चालू करोगे तो पूरा नहीं लिख पाओगे, फिर आप सोचते यार छूट गया छूट गया छूट गया, है ना। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा साइड में हटके टाइम भी देता हूं कि नोट कर लो, क्योंकि आपको नोट करने में टाइम लगेगा और वो हमें देना होगा, है ना, तभी तो आप नोट्स बना पाओगे। लेकिन जब तुम लिख रहे हो तो ऐसा नहीं है कि हर एक चीज हर एक इंस्टेंट लिखा जाए, हर चीज नहीं लिखनी होती है। उसी के लिए पहला पॉइंट है कि आप समराइज करके लिखा करो। जो भी चीज आप लिख रहे हो आप उतना लिखो जितना में आपको समझ में आ रहा है कि हाँ यार ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, की पॉइंट्स आप उसमें नोट कर लो, या मैं कभी बोलता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तो उस पर फोकस करो, ध्यान से सुनो, तब जाके समराइज फॉर्म में आप लिख पाओगे, है ना। सेकेंड पॉइंट है माइंड मैपिंग। हर एक चीज आप रिटन फॉर्म में लिखो ये जरूरी नहीं है, और रिटन में लिखी हुई बुकिश लैंग्वेज कभी भी आपको बहुत लंबे समय तक याद नहीं होती है, तो आप उसमें माइंड मैप बना सकते हो, ब्लॉक बना के ऐसे एरो एरो लगा के निकाल सकते हो, अच्छा इसमें ये होता है इसमें ये होता है इसमें ये होता है, है ना। तो ब्लॉक डायग्राम यहां पर यूज कर सकते हो आप सिंबल यूज कर सकते हो, एब्रीवेशन यूज कर सकते हो, है ना। जैसे कई बार मैं लिखता हूं रिएक्शन को पूरा नहीं लिखता, आरएक्शन लिख देता हूं मैं, है ना। तो इस टाइप की जैसे कभी मान लो इक्विलिब्रियम लिखना था, EQ ऊपर M लिख दिया, तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म में आप अपने हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हो कि इतनी चीज में मुझे समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो शॉर्ट फॉर्म यूज किया करो आप। क्लियर, क्लियर है। तो ये चीजें हैं जो आपके शॉर्ट नोट्स बनाने में मदद करेंगी।